अस्सलामुअलैकुम वेलकम व्यूअर्स। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद YouTube उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करता है। YouTube की एडवर्टाइजमेंट मोनेटाइज चैनल की वीडियो के ऊपर होती है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, मोनेटाइजेशन के लिए आपको पता है कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो है 4000 घंटे पब्लिक वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर। जब ये आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और मोनेटाइजेशन के अप्लाई करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है, यानी एड चलते हैं। यूट्यूब इसके ऊपर एड चलाते हैं और उसका आपको रिवेन्यू मिलता है। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर वीडियोज़ के ऊपर यूट्यूब एड चलाता है, लेकिन आप अपने वीडियो के ऊपर मज़ीद एड को ऐड करके एड्स लगा के आप अपने वीडियो से, जाहिर है जब अगर आपकी एक वीडियो के ऊपर 3 एड्स चलते हैं और तो और आप अपने उस वीडियो के ऊपर 10 एड्स ऐड करते हो तो जो 3 का रेवेन्यू होता है और जो 10 का रेवेन्यू होता है, आपको पता है कि उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। कि अगर 3 एड्स का फॉर एग्ज़ाम्पल आपको $1 आएगा तो $10 का आपको $3 आएंगे, 10 एड की आपको $3 आएंगे। सो आप अपनी वीडियो के ऊपर किस तरह मैनुअली एड लगाएंगे, सो आज की वीडियो में कंप्लीट उसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स गो टू स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आप यहाँ पर अपने YouTube के ऊपर आना है जहाँ पे आपका चैनल लॉगिन हो। YouTube में लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपने जाना है अपने चैनल के ऊपर, योर चैनल। यहाँ पे आपने जाना है YouTube स्टूडियो में जाना है। यहाँ पे YouTube स्टूडियो में, YouTube क्रिएटर स्टूडियो में आने के बाद अब ध्यान से देखना आपने ये, यहाँ पे आपने अपने कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद अब यहाँ पर आपकी जो वीडियो, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप उसके ऊपर ज़्यादा एड कर सकते हो। मेरी जो वीडियो आपको सामने नज़र आ रही है 15 मिनट की, 14 मिनट की और 23 मिनट की, अच्छी खासी मेरी जो वीडियोज़ है वो उसकी लेंथ है 12 मिनट की। आपकी वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए तब जाके आप उसके ऊपर ज़्यादा एड लगा सकते हो। जो छोटी वीडियो 3, 4, 5 मिनट की होती है उसके ऊपर बाई डिफ़ॉल्ट 2 या 3 एड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। अब यहाँ पे किसी भी वीडियो के ऊपर आपने ऐड लगाना है तो आपने उसकी मोनेटाइजेशन वाले जो ऑप्शन है, डॉलर का जो ऑप्शन है, उसके ऊपर आपने करना है क्लिक। आपको पता है कि यहाँ पे जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो जो मोनेटाइज चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप उसकी सेटिंग करते हो, तो आप ये सारे ऐड जो है उसके ऊपर क्लिक कर देते हो ताकि आपकी वीडियो की एंड पे, पहले दरमियान में सारे ऐड आपकी चले, स्किपेबल नॉन स्किपेबल। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा तो आप ड्यूरिंग वीडियो ये क्लिक नहीं होगा यहाँ पे, जब आप इसको क्लिक करेंगे, अगर आपका क्लिक हुआ है तो फिर ठीक है, आपको ऑप्शन नीचे मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बताया कि मैनेज मेड रोल, आपने इसके ऊपर जाके क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 एड आपको नज़र आ रहा है कि इस वीडियो में 2 एड चलेंगे और वो प्लेस ऑटोमेटिकली हो गए हुए YouTube ने इस वीडियो के ऊपर लगाए हुए कि 2 एड। अब मैं इस ज़्यादा एड कैसे लगाऊंगा, अब मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर 10 मिनट, 11 तकरीबन 11 मिनट के बाद एक और एड आए, मैं क्या करूँगा, मैं इस निडल को यहाँ पे ले जाके 11 मिनट 20 सेकंड के बाद एक और एड आई और एड ब्रेक के ऑप्शन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ब्रेक ऑटोमेटिकली, एक जो ऐड है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखो आप सामने, अब 3 हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि अब एक ऐड और आए, मैं इस वीडियो में 4 ऐड को यहाँ पे 2 ऐड करूँगा, 2 ऑटोमेटिकली है। सो इस वीडियो में टोटल 4 ऐड चलेंगे तो ज़ाहिर है रिवेन्यू भी अच्छी इकट्ठी हुई। तो आप इस तरह ऐड ब्रेक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि आप 4 जो इस वीडियो में 4 ऐड चलेंगे, तो इस तरह आप अपने रिवेन्यू को इनक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से ऐड ब्रेक करके, यानी खुद से ऐड लगा के अपने 8 मिनट से ज़्यादा की वीडियो में। और यहाँ पर आप देख सकते 4 और यहाँ पर आपने ऊपर ये 4 ऐड आ गए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 2 पहले से भी 2 हमने अभी लगाए कुछ टाइम की उस पर 4 मिनट 5 मिनट बाद। अब यहाँ पर ये तो आपने लगा दिए, अब आपने क्या करना है, आपने कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर और आपने सेव के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक।
सो आप जैसे सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो एड ऑटोमेटिकली आपकी यूट्यूब की एड वीडियो के ऊपर एड हो जाएंगे। और चार एड हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 आप इस वीडियो मेरे ये वाली जो वीडियो है इसमें हम चार एड चलेंगे, यानी एक वीडियो पे अब चार एड चलेंगे, दो पहले से थे, दो मैंने इसमें मजीद एड करी। तो इस तरीके से आप भी अपने वीडियो जो 8 मिनट से ज़्यादा की वीडियो होती है उसके ऊपर आप ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो प्लेस होते हैं वो आपको शो करेंगे और आपने एड ब्रेक करके अपने वीडियो के ऊपर यहाँ पे लगा सकते हो एड, मजीद एड आप लगा सकते हो। लेकिन ये मोनोटाइज चैनल के लिए है, ये ऐसा आप ना समझे कि मोनोटाइज नहीं है चैनल और उसके ऊपर आप ये करेंगे तो इस तरह ये होगा ही नहीं। सो यही थी आज की वीडियो, कंप्लीट डिटेल आप हमने बता दी इस वीडियो में। और फिर भी अगर आपको कुछ समझना है तो आप वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करिए, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको मजीद अगर आपको समझ नहीं आए तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पे कमेंट में भी प्रोवाइड करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।